स्किन शो एंड वेलकम टू माय चैनल इनर ब्यूटी ऑन ड्यूटी। मैं आपके साथ ऐसी चीज आज शेयर करने वाली हूँ जो हर एक गर्ल्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इवन मैं भी और हर एक गर्ल्स या वुमेन हो वो हर एक चीज में कंफ्यूज रहती है कि हमें ये खरीदना चाहिए, हमें ये कलर का खरीदना चाहिए, हमें ये कलर का खरीदना चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको यही चीज का एकदम हल, आपको सोल्यूशन बताने वाली हूँ कि आपको एकदम कम से कम चीज खरीद के भी आपका वॉर्डरोब बहुत ही ज्यादा भरा हुआ रहेगा और आपको कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, उसके पहले प्लीज मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि हमेशा आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने मिलेगी। नहीं तो आप बोलते हो कि आप तो वीडियो दी ऐसा बनाते ही नहीं हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बेल आइकन प्रेस करिएगा तो देखिए मेरा वीडियो कैसे 4G के स्पीड में आता है। और आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना तो बनता ही है और कॉमेंट करके भी बताइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आपके पास न्यूड और एक रेड पिंकिश काइंड ऑफ लिपस्टिक होनी ही चाहिए, क्योंकि न्यूड ऐसी लिपस्टिक है ना, आपको लगता होगा कि मेरे पे सूट नहीं होती, बट ऐसे नहीं है कि यही शेड में आपको न्यूड कलर की लिपस्टिक मिलेगी। आपको डिफरेंट शेड में भी न्यूड कलर की लिपस्टिक मिलती है जो आपके स्किन टोन पे या आपके फेस पे सूट कर सकता है। और रेड तो आपको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने भी ये रेड लिपस्टिक लगाया, आप देख सकते हो, अगर मैं न्यूड भी लगाती ना तो ये आउटफिट के साथ हमेशा मैच करती है। तो ऐसा कॉमन कलर की लिपस्टिक आपके पास होनी ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, सेकंड चीज आती है जो कि है नेल पेंट। यहाँ पर भी मैंने रेड कलर का ऑप्शन कंटिन्यूली रखा है, क्योंकि रेड कलर अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इवन नेल्स की बात करें ना तो फटाक से उभर के आता है, आपका नेल्स फटाक से दिखना चाहिए। चीज की जो की है ये मेरा सबसे प्यारा टी शर्ट जो कि है व्हाइट कलर में। हमेशा मैं आपको बोलूंगी कि ये व्हाइट कलर का टी शर्ट आप कभी भी खरीद ना, भले आप ब्लैक कलर का खरीदो या ना खरीदो, मैंने ब्लैक कलर को वैसे पहना है, बट आप व्हाइट कलर का टी शर्ट जरूर खरीदना, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ये व्हाइट कलर का टी शर्ट आप कोई भी स्टाइल में, मोस्टली स्टाइलिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। व्हाइट शर्ट्स, व्हाइट टी शर्ट्स बहुत ही ज्यादा गंजी टाइप, बहुत ही ज्यादा क्लासी लगता है, क्योंकि आप इस पे ब्लैक जीन्स पहनो, ब्लू जीन्स पहनो, रेड जीन्स पहनो, कोई भी कलर की जीन्स पहनो या स्कर्ट पहनो, या आप कुछ भी पहन सकते हो इसके नीचे। बारी आती है फोर्थ चीज की, जो की है ये ब्लैक कलर की ट्राउजर बोल सकते हो, जेगिंग्स बोल सकते हो। ये जीन्स नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ पता है, क्योंकि ना आपको कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए ब्लैक जीन्स ऑब्वियसली मतलब वो मस्ट है, ब्लैक जीन्स, अदरवाइज ये ट्राउजर या एकदम जेगिंग्स काइंड ऑफ थिंग। जेगिंग्स नहीं है, ये एकदम बहुत थिक कपड़ा है और इतना फ्लेक्सिबल है, आप कहां पर भी अगर आपको मोस्टली ट्रैवलिंग करना हो या आपको क्लासेस में बहुत टाइम बैठना पड़ता है या आपको कॉलेजेस में बहुत टाइम बैठना पड़ता है तो आपको जीन्स कंफर्टेबल नहीं होती और मोस्टली पीरियड में तो बिल्कुल भी नहीं होती है, तो फिर आप ये ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये इतना भी महंगा नहीं मिलता है, सो यू शुड गिव इट अ ट्राई। अब बारी आती है ट्रेडिशनल आउटफिट की। बहुत सारे लोग ज्वेलरी पसंद भी करते हैं बट बहुत सारे नहीं भी पसंद करते हैं, तो मैं ऐसी काइंड ऑफ पर्सन हूँ ना, एक तो मुझे ज्यादा ट्रेडिशनल वेयर पहनने नहीं मिलता है, मोस्टली फंक्शंस में ही हम पहनते, उसमें भी हम अलग अलग तरीके की ज्वेलरी खरीदने जाए अलग अलग ड्रेस पे तो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ जाता है और हमारे बजट से भी बाहर होता है, उसमें मुझे इन्वेस्ट करने में कोई भी शौक नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी आपको, मैं ऐसा काइंड ऑफ चीज लेती हूँ कि कोई भी ट्रेडिशनल आउटफिट में तो सूट हो ही जाए। जैसे कि आप देख सकते हो, आप देख सकते हो ये कितना प्यारा है, ये ऑलमोस्ट गोल्डन काइंड ऑफ, और यहाँ पर डायमंड्स है और यहाँ पर पर्ल है। तो पर्ल या डायमंड की चीज आप लोगे ना, कोई भी आउटफिट में मैच आपको कर जाएगी। आप देख सकते हो इसमें भी मैच हो रही है, आप एज ए चोकर बना के पहन सकते हो या आप थोड़ा नीचे से आराम से पहन सकते हो लाइक दिस, और आप थोड़ा सा ऐसे भी पहन सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और किस पर भी सूट होता है। मेन तो आप ड्रेस पहनो, आप लहंगा पहनो या आप कुर्ती पहनो, नॉर्मल डीप नेक की कुर्ती आती है वो पहनो, उस पे भी बहुत ज्यादा एलिगेंट और नाइसली जाएगा ये। और फ्रेंड्स, इसके ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैं एक डायमंड का ब्रेसलेट खरीदती हूँ। मीन्स हमेशा, मीन्स मुझे ज्यादा कुछ पसंद नहीं है पहनना, तो मैं ऐसे डायमंड का ब्रेसलेट खरीद दिया ना, तो फिर आप नॉर्मल, आपको एकदम डिसेंट रहना है बट कुछ तो हाथ में पहनना चाहिए, तो ये ब्रेसलेट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। फ्रेंड्स, अब बारी आती है वॉच की। मैं ऐसा मानती हूँ कि वॉच
बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपको हमेशा वॉच कैरी करना चाहिए आपके आउटफिट के साथ। बहुत जन बोलते हैं कि मोबाइल का जमाना है, वॉच क्या करना है, बट ऐसा नहीं होता है। मैं प्रेफर करती हूँ, आप मोबाइल बार बार चेक नहीं कर सकते हो कितना बज रहा है, बट आप वॉच में हजार बार देख सकते हो कि कितना बज रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है, तो आप लेट नहीं होंगे। और अभी तो वॉच ऐसे ट्रेंडी आ गए हैं, तो मैं ऐसे वॉच ज्यादा प्रेफर करती हूँ जिसमें ब्लैक कलर हो और गोल्डनिश काइंड ऑफ रोज गोल्ड कलर हो, जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कि मतलब कुछ तो वॉच भी लगे और ऐसे लगे कि कुछ ब्रेसलेट काइंड ऑफ थिंग भी लगे, कि मतलब आउटफिट पे सूट हो जाए। आप देख ही सकते हो कैसे वेरी वेल ये आउटफिट में आराम से सूट हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती है ये ब्लैक कलर के पंप्स की बारी। मीन्स ऐसा नहीं बोल रही हूँ ब्लैक कलर ही होना चाहिए, इसमें हम न्यूड लोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, ट्रांसपेरेंट लोगे तो और बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ट्रांसपेरेंट आप अगर कोई चप्पल लेते हैं ना, आप कोई भी आउटफिट पे पहन सकते हो विदाउट कोई कलर का टेंशन नहीं होता। तो मैं ये ब्लैक कलर का ऐसा हील्स, आप हील ब्लॉक लोगे ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, आपको इतना बड़ा हील्स पर बिल्कुल नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा, बट आप इतना कंफर्टेबल इसके साथ हो जाओगे ना। या फिर मैं आपको प्रेफर करने बोलूंगी ब्लैक शूज आपके पास होना ही चाहिए। अभी सपोज आपने वन पीस पहना हो या बहुत सारी क्यूट सा ऐसा टॉप एंड जीन्स पहना हो, उस पर भी वो बहुत ही ज्यादा ब्लैक हील सूट होता है और वो कोई भी आउटफिट में आपके ऐसे ही चुटकियों में सूट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी वीडियो आज की। अगर आपको ये यूजफुल लगी हो और आपको समझ आया हो कि ज्यादातर सामान लेके नुकसान करने से अच्छा आप कम सामान ले बट ऐसे हर एक आउटफिट आप बना सके वो सामान से, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स प्लीज, आपको पता ही है जैसे आपको मेरे बेल आइकन को प्रेस कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, कॉमेंट कर देना है, अच्छे अच्छे आइडियाज देना है। और मैंने अभी न्यू कॉन्सेप्ट लगाया है कि अगर आपने मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो और मेरे बेल आइकन को प्रेस करते हो और आप लिखते हो कि डन इंडियन ब्यूटी ऑन ड्यूटी, सो फ्रेंड्स मैं अगली वाली वीडियो में आपका नाम जरूर जरूर लूंगी। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।